किसी ने सही लिखा है कि नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। 36 साल तक पुलिस की नौकरी की और जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार नहीं मानी, सबका डटकर बहादुरी से सामना किया। मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन और आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की फांसी भी उनकी निगरानी में हुई। साथ ही फेमस सेलिब्रिटी एक्टर संजय दत्त का हाई प्रोफाइल केस भी उन्होंने ही संभाला। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से अपनी नई किताब मैडम कमिश्नर में लिखे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली डॉक्टर मीरा चड्डा बोरवणकर के बारे में। डॉक्टर मीरा चड्डा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। मीरा के पिताजी लाहौर से है और माँ सियालकोट की रहने वाली है। विभाजन के बाद मीरा के पिताजी पाकिस्तान से भारत आ गए। पिताजी पंजाब पुलिस में रहे तो उनका बचपन पंजाब के फाजिलका, फिरोजपुर, फरीदकोट और जालंधर में बीता। बचपन से ही पिताजी की पुलिस की वर्दी मीरा को आकर्षित करती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद पुलिस में जाएगी। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा से टॉमबॉय जैसी रही है। घर में .22 राइफल थी, इसीलिए उन्होंने शूटिंग करना भी सीख लिया। छोटी सी उम्र में ही मीरा ने पुलिस जीप चलाना भी सीख लिया था। पंजाब पुलिस के पास घोड़े थे तो इस बहाने से वो घुड़सवारी भी कर लेती थी। लेकिन मीरा के पापा नहीं चाहते थे कि वो पुलिस फोर्स में जाए, इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया और तैयारी कर एग्जाम पास कर लिया और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ज्वाइन कर ली। पर वहां मीरा का मन नहीं लगा, इसीलिए मीरा ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की होती है। करियर और फैमिली के बीच बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो। उनकी शादी पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैमिली प्लान की। शादी के 4 साल बाद उन्हें बेटा हुआ। दूसरा बेटा 5 साल के बाद हुआ। जब मीरा का बेटा 5 साल का हुआ तब उन्होंने जिला पुलिस प्रमुख बनने की जिद की। उनकी फाइल को 2 बार उस समय के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तब तक किसी महिला को जिला पुलिस प्रमुख नहीं बनाया गया था। लेकिन उस समय तक मीरा की 10 साल की सर्विस पूरी हो गई थी और इस वजह से उन्हें औरंगाबाद की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ बनाया गया। 1994 में उन्होंने जलगांव सेक्स स्कैंडल पकड़ा और उसकी छानबीन की, जिसमें स्कूल की बच्चियों से लेकर कॉलेज की लड़कियों को देह व्यापार में ढकेला जा रहा था। जब वो एक केस हैंडल कर रही थी तब उन्हें पता चला कि लड़कियां FIR दर्ज करवाने के बजाय सिर्फ रोती रहती थी और जो उनके साथ हो रहा था उसे चुपचाप सहन कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने इस रैकेट के बारे में जांच पड़ताल की और मामले की तह तक जाकर इस रैकेट को सॉर्ट आउट किया। इस रैकेट को पकड़वाने के बाद लोग उनका नाम और काम जानने लगे। उसके बाद एक बार जब वो जुआ के मामले में रेड करने जा रही थी तो भद्रकाली पुलिस स्टेशन के स्टाफ को ये बहुत बुरा लगा कि मैडम IPS है तो वो जीप में आगे बैठेगी और हमारे 6 फुट के इंस्पेक्टर पीछे बैठेंगे। बता दे, पहले पुरुष प्रधान पुलिस विभाग को एक महिला अफसर की बात मानना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मीरा का काम देखकर उनके स्टाफ और नागरिक उन्हें सपोर्ट करने लगे। बता दे, मीरा को खुद को साबित करने में करीब 15 से 20 साल लग गए, लेकिन कहते हैं जब तक आप खुद हार नहीं मानते आपको कोई हरा नहीं सकता। डॉक्टर मीरा चड्डा ने भी कभी हार नहीं मानी और जिंदगी में कई उतार चढ़ाव पार करते हुए मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये एक ऐसी महिला शख्सियत थी जिन्होंने समाज में अपने काम के साथ अपनी छाप छोड़ी। अगली बार फिर मिलूंगी एक ऐसी ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।